प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति भी तेज होगी। मैं आपका सर झुका करके नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे अभी बता रहे थे मुख्यमंत्री जी कि 200 स्थान पर लाखों लोग बैठे हुए हैं जो वीडियो के माध्यम से इस विकास उत्सव में भागीदार बन रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। और मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कैसे गोलाघाट के लोगों ने हजारों दीप जलाए। असम के लोगों का ये स्नेह, ये अपनापन मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और तेज होगी। मैं असम के सभी लोगों को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसकी बायोडायवर्सिटी, इसका इकोसिस्टम हर किसी को आकर्षित करता है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं।